जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, ये कहावत फिर एक बार साबित हुई। झारखंड के गुमला शहर में एक 10 के नवजात बच्चे को सड़क पर फेंक दिया गया। गनीमत ये रही कि एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उस बच्चे को जिला सचिव सैयदा खातून को सौंप दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे की जान बच गई। जाकर राखे साईं या मार सके ना कोई, ये कहावत फिर से एक बार साबित हुई। झारखंड के गुमला शहर में एक दंपत्ति ने 10 माह के बच्चे को सड़क पर फेंक दिया। गनीमत ये रही कि समय रहते उस पर एक राहगीर की नजर पड़ गई और उस व्यक्ति ने उस बच्चे को जिला सचिव सैयदा खातून को सौंप दिया, जिसकी वजह से बच्चे की जान बच गई। जिस समय उस बच्चे को सैयद खातून को सौंपा गया, उस समय उस बच्चे को बुखार था। इस स्थिति में खातून ने तुरंत बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम उस पर नजर बनाई हुई है। इसके बाद जिला सचिव सैयद खातून ने शांति नगर स्थित बाल गृह से संपर्क किया तो उन्होंने उनको बताया कि वह CWC में जानकारी दें। इस संबंध में बाल संरक्षण पदाधिकारी सरिता कुमारी और सदस्य धनंजय मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और बच्चे का इलाज चिकित्सक की निगरानी में चल रहा है। बच्चे को ठीक होने पर उसको चैरिटी में रखेंगे और उसके अभिभावकों की खोज की जा रही है। अगर वो मिल जाते हैं तो वह प्रमाण पत्र देकर बच्चे को ले जा सकते हैं, अन्यथा बच्चे को चैरिटी व CWC के तहत उन पर कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि बच्चा अभी 10 माह का जो पाया गया है कुछ लोग इस मेल गुंडा के सामने से और वो सहिया के माध्यम से बाल कल्याण समिति को जानकारी मिला और बाल कल्याण समिति में स्वतः संज्ञान लेते हुए और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है बच्चे को अभी, और अभी इलाज चल रहा है, कुछ जांच वगैरह किया जा रहा है बच्चे का स्थिति के अनुसार। अभी तो नॉर्मल है बच्चा, वैसा कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, जाँच चल रही है, बच्चे का इलाज प्रोसेस में है और जैसा होगा अभी हमें बाल कल्याण समिति की तरफ से आदेश मिला है बच्चे का प्रकाशन में कराने के लिए पत्र दैनिक अखबारों में, ताकि उसके जैविक माता पिता का पता कराया जा सके। जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी उनके माता पिता को तो वो फिर उनके साथ मिलके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए काम किया जाएगा, और अभी तो जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता है उसका इलाज चलता रहेगा सरकार के प्रशासन के देखरेख में।